आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित करने और मुंबई के दादर में स्थित भीमराव अंबेडकर के राजगृह पर हुई तोड़फोड़ के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अब नीमच वाल्मीकि समाज भी मांग कर रहा है। शनिवार को वाल्मीकि युवा शक्ति संगठन के बैनर पर पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि आरक्षित वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए आरक्षण को संविधान की नवी सूची में शामिल किया जाए, जिससे भविष्य में आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन ना हो। साथ ही पदाधिकारियों ने मांग की है कि मुंबई के दादर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गृह को कुछ असामाजिक तत्वों व अज्ञात आरोपियों ने तोड़फोड़ की है। पदाधिकारियों ने मांग की है कि इन आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाए और उन आरोपियों को सख्त सजा दी जाए। आज वाल्मीकि युवा शक्ति थोड़ा जोड़ समाज एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा आज राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में आकर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल हमने यहाँ पर प्रेषित किया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, ये एक शर्मनाक घटना मुंबई में घटित हुई है, जिसमें देश के महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे पूजनीय हैं, उनके घर पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। तो हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित थे, उन आरोपियों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। और चूँकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के महापुरुष हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जिसने इस प्रकार का कृत्य को किया। देखिए, आपको जानकारी है कि संविधान के साथ तो लगातार छेड़छाड़ हो रही है, अब जो संविधान निर्माता है उनके घर में भी छेड़छाड़ होने लगी। तो अब दलित समुदाय, जो अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग है, इस घटना को कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता है और अब ये असहनीय घटना हुई, अब इसको सहन नहीं किया जाए। प्रशासन को इसके विरुद्ध सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा।